मखा इस भर्ती ने हमारे सारे अरमान तोड़ दिए और मखा इस टीओडी कानून ला के कईया के लाल फांसी पर लटका दिए। नॉलेज हमने भी बतेरी थी किताबा की, पर मखा इस खोज के ख्वाब ने सब क्या का चक्कर छोड़ दिया और बोले एक सपना देखा हमने फौज में जान का, वो इस सारी नकली सरकार ने तोड़ दिया। मखा रहा वो इसे नकली सरकार ने तोड़ दिया। माँ भी बेहोश होगी और मखा बोले के देखा उस फौजन ने, वो यानी इस उम्र में विधवा होगी। राम राम सारे ने, मैं उतार गल कुसुम गोयत और अग्निपथ योजना यो मुद्दा पूरा चल रहा है तो हमने बेरा भी है तो अग्निवीर कहलावेंगे कुछ जो भी 4 साल की या नौकरी जो करेगा। और फिलहाल मेरे गले एक छोरा खड़ा है तो हम देख सको हो, और हालांकि छोरे में बहुत दुख है, कोई प्रदर्शन करके कोई कुकरिया यानी अपना दुख जो है व्यक्त करने लग रहा है। लेकिन इस बीच देखो जो पत्थरबाजी आगजनी की खबरें सामने आ रही है वे तो देखो मां भी उसका विरोध करा कि भाई गलत बात है, लेकिन अपना अपना तरीका हुआ है दुख व्यक्त करने का। ये जो मेरे द्वारा खड़े हैं यू भी एक शायरी के माध्यम से अपना दुख जो है बताओगा कि भाई अग्निपथ योजना ने यू किस तरीके से ले हुआ है। और जो इनके भी बहुत सारे साथी होंगे गाँव गुआंड में ये भी जानते होंगे बतेरे फौज की तैयारी करने खातर जुटे खड़े हैं। इस टाइम में जिस जगह पर खड़ी हूँ वो भी एक ग्राउंड है, यहाँ भी बहुत बतेरे छोरे जो है फौज की तैयारी करने खातर आंदे होंगे। फिलहाल भाई राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोमवीर शायर है। अच्छा। पहले तो मैं एक बात शायरी के माध्यम तक कहना चाहूंगा, मखा इस भर्ती ने हमारे सारे अरमान तोड़ दिए और मखा इस टीओडी कानून ला के कईया के लाल फांसी पर लटका दिए। नॉलेज हमने भी बतेरी थी किताबा की, पर मखा इस फौज के ख्वाब ने सब क्या का चक्कर छोड़ दिया और बोले एक सपना देखा हमने फौज में जान का, वो इस सारी नकली सरकार ने तोड़ दिया। मखा रहा वो इसे नकली सरकार ने तोड़ दिया। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा, और तो देखो सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है, जो चीज़ करना वो उन्हें उनके ऊपर है, पर एक यो गलत करा गया एग्जाम वाला जिन बालका के रेस मार रखी थी, जिनने ख्वाब दे रहे भाई लाग गया इनके माँ बाबू ने, कम से कम बालका का ना देखा तो उनके माँ बाबू का तो देखा भाई कितने कितने पैसे लाए हैं, एक एक रुपया कमाना बड़ा औखा हो जा रहा, वो बालक पढ़ रहे 3-3 साल हो गए थे भर्ती ना आए, फिर ये बहुत गलत करा है वैसे ही। लेकिन गन करे तो नुको है बढ़िया है, जो फौज में लगना चाहे उनके सारे के सपने पूरे होते रहेंगे। हाँ यो भी ठीक है, पर वो गलत ने वो करे ना बालका का एग्जाम गलत कैंसिल कर दिया, वो करना चाहिए था उन्होंने, और तो कोई दिक्कत को नहीं। यो यह भी सही है जित एक ने भर्ती मिला फौज में लग गए 4 लग गएंगे उते। हाँ। पर एक दिक्कत यह भी तो बालका की खातर कितने बालक एग्जाम क्लियर कर रहे थे, कई के एयरफोर्स की पेंडिंग में लिस्ट पड़ी थी, वह उन्होंने वो गलत कराया वैसे। जो रद्द करी गई है जो वो गलत कराई, जो अग्निपथ योजना वह सही है। हाँ अग्निपथ योजना बिल्कुल सही है, पर वो रद्द आला वो गलत कराया गया है। अच्छा, अरे गन खरे छोरे जो अग्निपथ योजना इन्हें गलत बता रहे हैं उन्हें क्या कहोगे आप? जो गलत बता रहे देखो वह बात थोड़े दिन पहले चाल भी रही थी, जिनके घर में कदे किसी ने 1600 मीटर नहीं मारी वो भी उसके फायदे बता रहे हैं। अच्छा। यही कहना चाहूंगा, मतलब जिसने ये वो बात चाहिए छोटी सी तो सबने स्वाद लेने है, हकीकत तो बात यह फायदा भी है तो इसका नुकसान भी है, दोनों कंपेरिजन है। पर ये एक जीत यह भी है 4 साल का थोड़ा गलत कर दिया, 5-10 साल का करते तो ठीक थोड़ा फायदा रहता वैसे। अच्छा जी, जो आपने सीएम मनोहर लाल खट्टर है उनका बयान सुना आपने? हाँ उसका बयान भी सुना, बोले आंदे ही के नाम नौकरी देऊंगा। मेरे तो एक बात समझ में नहीं आंदी भाई, तू 5 साल रह लेगा 10 साल रह लेगा, उसके बाद में दूसरी सरकार आओगी वादन करेगी, कहने का मतलब ये दौड़े कुर्ते पजामे ने मारी गलियां खेलना है सीधी बात, पहले हमारे माँ बाबू किसाना गलियां खेलिया ये मारी गलियां खेलने लाग रही है। जनरल वी के सिंह का बयान सुना होगा उनका भी? उनका नहीं सुना देखो मैंने। अच्छा, वे भी बढ़िया बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि जिन्हें लगना हो लागो जिन्हें। हाँ वो भी कह रहे हैं मतलब लागना हो जिन्हें लागो जिन लाग, हाँ यह बात भी सही है भाई, जिसने लागना है वो बालक, जिसने फौज का भर्ती का मतलब चाह घर में जनून है वो बालक लग गएगा, चाहे कितना 4 साल की कर दो चाहे 2 साल की कर दो, और जिसने नहीं लागना चाहे वो 15 साल की थी जद भी ना लग गया कर दे। अच्छा जी, तो भाई हालांकि देखो ये साफ तौर पर बोल रहे हैं कि भाई अग्निपथ योजना का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन जो ये भर्ती प्रक्रिया जो रद्द करी गई है उसका मैं विरोध करूंगा। हाँ उसका विरोध है बस, भर्ती का विरोध है, मतलब दुख इस बात का है कि जो मारे गए ना भाई तैयारी करा कर दे 2 साल तो वो ख्वाब देख रहे भाई हम तो लग गए टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, ये उनका एकदम तो जिस बालक ने 2-2 साल होगी रेस मारी ये वो बालक दोबारा ताओ तो देखो दुख तो वही है, और सबसे ज्यादा दुख बालक का कम माँ बाबू का ज्यादा हुआ है, माँ बाबू तो कह तो नहीं सकते बालक नहीं कह सकते भाई वो तो बस जोश ही दे बेटा कोई बात नहीं दोबारा तैयारी कर ले, पर माँ बाबू के हकीकत में दुख न कौन जान सके। आप कितने मतलब आपके आस पड़ोस में भी बहुत सारे छोरे आस पड़ोस में मेरे 2-4 डब्बी भी साथ में भाई तैयारी करे हुए रहते हैं। हाँ। उनके और उनका दुख उनकी बात देख के मन तो ये लग गया बहुत गलत कराया गया है। अच्छा जी, आपने एक फौजिया पर भी कोई शायरी लिखी होगी? हाँ फौजिया पर भी एक शायरी थी, एक भाई था उसका शहीद हो गया था, उसका
था, जनाजा देख के मेरा थोड़ा सा दुख भी होया। उसको ऊपर लिखी थी, बोले अरे खबर आई फौज ते, फौजी शहीद हो गया, सरकार खातर था एक वो जवान, पुनून याने याने बालकों के सर पते सायक हो गया। मका गटी है किसी घटना, उस घटना पछ है वह चांदनी रात भी अंधेरी होगी, खबर सुने पछ है न बाबू रहा ओस में, माँ भी बेहोश होगी। और मखा बोले के देखा उस फौजन ने, वह यानी सी उम्र में विधवा होगी। और फिर मखा तू नीली छतरी आले दुनिया चलावन आला है, मखारा तू दुनिया चलावन आला है, फिर या क्यूकर अनहोनी होगी, मखारिया क्यूकर अनहोनी होगी। बिल्कुल, देखो शायरी के माध्यम से अपना दुख जो व्यक्त करता है एक नौजवान छोरा जो मेरे गुल है, और हो सका है भावी अग्निवीर भी कह सका आपा, क्योंकि भाई जिस तरीके से टीओडी का तो हम देख रहे हो हर जगह प्रदर्शन भी करने लाग रहे हैं, पक्ष में भी बोल रहे हैं, विपक्ष में भी बोल रहे हैं। कुछ कहना चाहो थे आप मेरे ख्याल से? ना पक्ष विपक्ष का देखो दोनों चीज पैरेलल चल जा रहे हैं। एक यो भी जो भाजपा सरकार आ रही है तो कांग्रेस वाले उसका फायदा उठाएंगे, कांग्रेस वाला की आ रही है तो आप फायदा उठाओगी। सरकार का तो यो है मतलब एक आने तो सही उठेगा तो एक तो नुकसान भी बताऊं, दोनों चीज ला रही। पर हमने तो वैसे एक दुख है पेपर पेपर वाला दुख, और कोई दुख नहीं है। अच्छा, एक फौजी ने आप किस नजर से देखो? फौजी ने देखो नजर तो कई तो न्यूज सोचे जा काम कर दिया भाई, फौज में ही लाग गया तो इतना ही आसान है तो तू भी ला, जो न्यू काम है ना कि एक बड़ा काम कर वो भी तो ला के दिखाओ, बड़ा औखा हो जाए माइनस में रहे हैं उत ले मजा के रह के तो दिखाओ, कोई एक दिन काटना हो जब वो पूरी जिंदगी काट दें हूँ तो 15-15 साल काट दें। तो मैं यो ही कहना चाहूँगा फौजी ने और जवान ने ना, किसान ने और जवान ने ना से दिया करो, और चाहे किसी ने कुछ कह लिया करो। और एक जवान जो है आने वाले मतलब आगे आने वाले जवान प्रदर्शन करने लाग रहे हैं जगह जगह पे, देखी होगी खबर भी आपने आगजनी वगैरह की। हाँ, आगजनी वाली बिल्कुल यह गलत करी है। हाँ, कई पुलिस आना का डंडा मारे, देखो वो भी तो जवान ही है, वो अलग बात है वो पुलिस में है, वो कोई आर्मी में लाग रहा है, कोई एयरफोर्स में लाग रहा है, यह चीज अलग है, लेकिन सब जवान ही है, उनने भी गलत, वो भी हमारे काकेताओं के बालक है, वही हमारे कोई काकाताओं लाग गए, कोई भाई लाग गए, गलत करा गया पुलिस आना, वह भी तो जवान ही है, उनकी भी हमने इज्जत करनी चाहिए। और बस मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब किसी तरह पत्थरबाजी ना करो, अब विरोध है विरोध करना चाहिए, जायज है विरोध करना भी, कब लग चुप रहवाएंगे इतने दिन, पर यह चीज़ गलत करेगी, पत्थरबाजी गलत है कि तय आग सरकार मारे थे वो सल लोगी सारी चीज़, जो भी हमने नुकसान करा वो मारे मत निकालना, तो क्यों ही सारी चीज़ करा जब मारे तक दुगुना भरपाई करनी पड़े। बिल्कुल, देखो आप किसी भी चीज़ ने नुकसान पहुँचा खुद का ही नुकसान हुआ है, प्रदर्शन करो किसी भी तरीके का लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन वह बात है कि भाई जो टीओडी तम देख रहे हो, अग्निपथ योजना देख रहे हो, छोरिया में इतना गुस्सा हो रहा है, कतई लाल हो रहे हैं जमा, और 1% भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, हालांकि सबका अपना अपना वो हुआ है, दुख हुआ है किसी तरीके से व्यक्त करने का। जो नौजवान मेरे द्वारे खड़े हैं इन्होंने भी शायरी के माध्यम से जिस प्रकार तय अपना दुख व्यक्त करा है, इसने सुनकर ना तारा के कुछ कहना है तो मैंने कमेंट में जरूर बता दियो, और इस वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो और अपनी राय भी जरूर दे दियो। मैं फिर मिलूंगी तो हमने किसी और मुद्दे के लिए, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत, राम राम।